सबसे पहले मैं CPWD जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और सभी सदस्यों का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। इन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम इतने छोटे समय में आयोजित किया, सभी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। पिछले वर्ष हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। हमने, जैसा कि हमारे साथियों ने थोड़ी देर पहले बताया, कि विपदा के समय भी वो लगातार काम करते रहे, चाहे वो सड़कों से संबंधित कार्य हो या हॉस्पिटल की मेंटेनेंस हो या नालों की सफाई हो, सारे कामों में वो लोग लगे रहे जैसे कि सामान्य समय में लगे होते हैं। तो ये रियली बहुत गर्व की बात है। फिर पिछले साल हमने बहुत सारे नए काम, जो महत्वपूर्ण काम हैं, वो प्रारंभ किए हैं। उनमें अगर मैं नाम लूँ तो IIT जम्मू, IIT तिरुपति, IIT पालक्काड, उसके बाद हमने IIM बोध गया, IIM जम्मू, एम्स श्रीनगर, ये सारे काम हमने, और एक हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में शुरू किया। तो बहुत सारे काम हमने पिछले साल प्रारंभ किए। और सबसे बड़ा कि जो अभी एक सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी हमने प्रारंभ किया। बहुत चैलेंजिंग काम है, बहुत कम समय में CPWD को ये काम पूरा करना है। आप सभी लोगों को पता है कि 10 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री ने नए नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की आधारशिला रखी, और जो अगला वर्ष है 22, उसका जो विंटर सेशन है, वो हमारा ये ध्येय है कि विंटर सेशन नए भवन में हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, और CPWD के सभी अधिकारी इन सभी कामों को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता से, पूरी लगन से लगे हुए हैं। मेरा नाम चंदन सिंह है और मैं नॉर्थ इंडिया जे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और पिछला साल, चूँकि सभी लोग जानते हैं कि कोविड से महामारी की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, उसके दौरान भी हम लोगों ने, हमारे जो कैडर हैं, हमारे जो जेई हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड की सुरक्षा करना, मेंटेनेंस करना, सीवर लाइन से लेके रोड तक, ब्रिजेस तक का काम हम लोगों ने किया है, मेंटेन किया है। हमारा सबका काम वर्क फ्रॉम होम था, हम लोगों ने ऑन साइट काम किया है उस सिचुएशन में भी। और ये हमारा और हम सभी साथियों का प्रण है, ये हमने निश्चय लिया है, हमारा मोटो है कि आने वाला साल, चाहे आने वाले हर एक वक्त में जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे डिपार्टमेंट को पड़े, चाहे देश को पड़े, जितना हम लोगों से बन पड़ेगा, हम लोग बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया भी था कि मंच के माध्यम से, कि ये पीढ़ी हमारी बिल्कुल एकदम युवा है। आप समझ लीजिए जो भारत की औसत आयु, उससे भी कम हमारी औसत आयु है, 25 से 26 साल। और 25 से 26 साल की आयु का एक जूनियर इंजीनियर देश के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके नीचे तले तबके का जो टाइप 1 का क्वार्टर है, उसका भी मेंटेनेंस वही करता है। आप राष्ट्रपति भवन चले जाइए, निर्माण भवन, उद्योग भवन, कोई भी आपको अगल बगल भारत सरकार की बिल्डिंग अगर दिख रही होगी, तो कहीं ना कहीं CPWD का जे ही करता है। और न सिर्फ बड़े काम, छोटे काम भी, जैसे कि आपने देखा होगा रोड पे कहीं गड्ढा है तो उसको भरना हो, या नाले की सफाई का, वो भी काम है। ऊपर से कोरोना जैसी महामारी ने हम सभी जेई के लिए एक और अपॉर्चुनिटी दिया हमें। हमारे लिए ये निगेटिव नहीं रहा, कारण कि जब लोग अपने घरों में बैठे हुए थे, तो 22 मार्च को लॉकडाउन अगर लगा हुआ था, हम लोग सुने 23 मार्च को भी काम पे थे। और न सिर्फ हमने काम किया है, बल्कि काम की डिलीवरी भी की है। 31 मार्च को हम लोग का फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है, और उस फाइनेंशियल क्लोजिंग को बखूबी निभाया हमने। जो हम लोगों पर लाइबिलिटी बनती थी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर का जो भी कार्य होता था, जो भी बकाया कार्य था विभागीय तौर पर हम लोगों के ऊपर, उसको हम लोगों ने बखूबी पूरा किया है। और न सिर्फ 31 मार्च के लिए, बाकी आने वाले टाइम जो भी था, चाहे रोड का काम हो, चाहे बिल्डिंग का काम हो, सारे कार्य हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। और हमारा विभाग बहुत ही सकारात्मक है, जो वर्तमान DG साहब हैं बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी हमारे कैडर के लिए काफ़ी भलाई का कार्य भी कर रहे हैं। और आज बहुत गदगद भी हुए, और यहाँ आके उन्होंने तुरंत 2-3 केस तुरंत के तुरंत, और बोला भी कि आप तुरंत के तुरंत हमारे ऑफिस आइए और हमारे PA को दीजिए। तो आप सबका भी बहुत हार्दिक धन्यवाद मैं करता हूँ कि आप लोग इतना समय निकाल के आए।